दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आशा राधा का, तो जो भी सवाल करते हैं वन वीक में उसका देता हूं जवाब। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनंद कुमार जी का सवाल है, भाई आपने एडिटिंग को इम्प्रूव करो, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है। 100% हो सकता है। हमारा जो लैपटॉप है ये कोर i5 फोर जनरेशन वाला है जिसमें प्रीमियर प्रो नहीं चलता है, तो जो सॉफ्टवेयर चलता है हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। रहा बात बैकग्राउंड का, तो थोड़ा अभी दिक्कत परेशानी में हम लोग चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी एक नया सेटअप आएगा, जब नई जगह जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीन और स्क्रीन वगैरह यूज़ करेंगे। एडिटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ का टाइम और इंडिया का टाइम डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि 2.5 घंटा हम लोग मतलब पीछे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से इंडिया के हिसाब से करना पड़ता है जो मैनेज नहीं होता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम एडिटिंग को थोड़ा फास्ट करते हैं ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिले, इस वजह से ट्रांजिशन वगैरह थोड़ा सा हम कम लगाते हैं, लेकिन अब हम ट्राई करेंगे कि इसको और भी बेहतर कर सके। अगला क्वेश्चन जो आया है अरित दास का, इनका सवाल है तुम रियलमी 10 प्रो प्लस सेल कर दियो। हाँ भाई, हम कर दिए क्योंकि उसमें कुछ इश्यू था जिसकी वजह से हम उस फ़ोन को बेच दिए। अगला जो है अमित कुमार जी का, इनका सवाल है सर रियलमी 12 प्रो प्लस 902 वाला अपडेट का फाइल दो। देखिए ये जो अपडेट है ये पुराना है, अभी जो है 10001 वाला अपडेट है जिसका हम आपको दे देंगे लिंक वगैरह, वो कर लीजिए। ये इसमें जो है थोड़ा सा बैटरी का इशू है, इस वजह से हम आपको नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पीके डांस फनी का, इनका सवाल है रियलमी 12 प्रो प्लस का बैक कवर। देखिए बैक कवर अगर आपको लेना है तो कोई भी ऑफलाइन स्टोर से आप 100-150 वाला ले सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादा महंगा मत लीजिए, ट्रांसपेरेंट वाला लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट। अगला क्वेश्चन जो है मोहसिन अंसारी का, इनका सवाल है रियलमी 11 प्रो प्लस में न्यू अपडेट कब आएगा। जैसे हमने बताया कि न्यू अपडेट जो है 17 जुलाई तक देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पांडा जी का, इनका नाम ही पांडा है, तो इनका सवाल है ब्रो ओप्पो A59 को मिलेगा क्या एंड्रॉइड 15 का अपडेट। A59 को 100% मिलेगा, लेकिन अगस्त के बाद, अभी मतलब बीटा अपडेट चल रहा है, जब स्टेबल में आएगा तो उसके बाद आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुनुक नाथ का है, इनका सवाल है डिलीट कैसे करें, मतलब पहले जैसा कैसा करें 120 हर्ट्ज वाला। देखिए उसके कुछ नहीं करना है, सेटिंग ऐप को दाब के रखे इन्फो में जाइए और वहां पर 3 डॉट में जाइए, उसके बाद आपको अनइंस्टॉल अपडेट का फीचर्स मिलेगा, वहां पर आप क्लिक करिए, फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करिए, आपका पहले जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश जी का, इनका सवाल है सर पोको F5 वर्सेस मोटो E50 फ्यूजन दोनों में से कौन सा ले। देखिए अगर आप पोको F5 लेते हैं, एक्सट्रीम गेमिंग करते हैं, तो पोको F5 ले लीजिए, थोड़ा सा भी अगर कैमरा से मतलब है तो मोटो का E50 ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी का, इनका सवाल है रियलमी 12 प्रो प्लस में अपडेट कब आएगा। 12 प्रो प्लस में अपडेट नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगा, 5 या 6 तक देखने को मिल जाएगा, और सिक्योरिटी पैच जो है इसी मंथ का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चंदन जी का, इनका सवाल है रियलमी 12X 5G पे एंड्रॉइड 15 का अपडेट कब आएगा। ये जो है अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इस फ़ोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगस्त में रिलीज़ होगा, तो 2 महीना आप रख लीजिए, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अरिगेंसी का, इनका सवाल है गेमिंग एक्सपीरियंस खराब हो गया है रियलमी 12 प्रो प्लस में। जिस तरह से मौसम जो है हॉट चल रहा है तो गेमिंग एक्सपीरियंस खराब होगा। डुअल सिम यूज़ करते हैं तो गेमिंग के टाइम पे सेकंड सिम को बंद कर दीजिए और 120 हर्ट्ज़ पे करिए, और जितने भी बैकग्राउंड में ऐप है उसको बंद कर दीजिए, और कोशिश करिए कम से कम ऐप रखे फ़ोन में, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस सही रहे। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं का है, भाई रियलमी 10 प्रो प्लस में अपडेट कब आएगा। अपडेट जो है अभी इस मंथ में आ जाएगा, आपको 28 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपको अपडेट नहीं मिला था, तो 28 तक वेट कर लीजिए। या फिर बहुत लोगों को अपडेट मिल भी चुका है और जिसको नहीं मिला है, तो 8 दिन का समय लगता है अपडेट आने में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यादव जी का, इनका सवाल है ऑफलाइन स्टोर में सैमसंग का S23 कितने में मिलेगा। देखिए ऑनलाइन में जो प्राइस मिल रहा है, ऑफलाइन में जाकर आप डायरेक्ट वहां पर शॉप में जाकर ये बोलिए कि भाई मेरे को ऑफ़र चाहिए, वो लोग ऑफ़र आपको दे देंगे, और आप अपना एरिया बताइए, तो एरिया के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन से शॉप में आपको ऑफ़र मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोनिया जी का, इनका सवाल है, सोनिया ही है ना, हाँ सोनिया जी है, इनका सवाल है ओप्पो का A78 5G को कब मिलेगा एंड्रॉइड 15 का अपडेट। ये जो है अपडेट आपको देखने को मिलेगा नवंबर या दिसंबर में, आपके अपडेट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तकी जी का, इनका सवाल है कैमरे पर AI का फीचर्स नहीं आ रहा है, पोर्ट्रेट में भी नहीं आ रहा है 12 प्रो प्लस में। देखिए AI फीचर्स इसलिए नहीं आ रहा है कि AI क्या करता है कि इसमें रियलमी 12 प्रो प्लस में जो पेरिस्कोपिक सेंसर है ओमनी विजन का,
और OV64B, ये जो सेंसर है ये AI को सपोर्ट नहीं करता है, और AI को सपोर्ट कर मतलब इसको अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू डाला जाता है तो वो क्या करता है, फेस को येल्लो कर देता है। तो इस वजह से रियलमी इसको क्या किया कि रिमूव कर दिया है। तो AI आप मत यूज़ करिए, और अगर AI आपको यूज़ करना है तो GCam आप डाल लीजिए, हमारे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फाइल में जाकर अगर GCam 8.9 सर्च करेंगे तो आपको फाइल मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और AI का आप यूज़ कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनोमा जी का, इनका सवाल है भाई फोटो और वीडियो क्वालिटी ख़राब हो गया है, फेसबुक में डालते या व्हाट्सएप में डालते हैं तो वो क्या करता है, सही से नहीं जाता। देखिए फेसबुक में या व्हाट्सएप में अगर आप फोटो वगैरह डाल रहे हैं तो वहाँ पर क्या है कि अंदर आपको सेटिंग में एक HD क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन करके डालिए। दूसरा चीज़ है कि 100% अगर क्वालिटी अच्छा में भेजना है तो डॉक्यूमेंट मोड में भेजिए, व्हाट्सएप वगैरह में किसी को भी फोटो या वीडियो, तो क्वालिटी आपका जैसा है वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एडूर जी का, इनका सवाल है कैन आई ट्रांसलेट योर वीडियो एंड पोस्ट इन ब्राज़ील, आई गॉन पुट योर लिंक एंड योर क्रेडिट ऑन डिस्क्रिप्शन, नो ब्रो इट इज़ नॉट गुड बिकॉज इट्स माई प्रॉपर्टी एंड इट इज़ डेंजर फॉर यूट्यूब एंड ऑल्सो मी बिकॉज यू आर सेइंग ए गुड वे फॉर माई वीडियो, डैट्स वाई आई एम नॉट गिव टू परमिशन फॉर दिस टाइप्स ऑफ बिहेवियर, दैट बिकॉज यूट्यूब इज़ माई प्रॉपर्टी एंड माई वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज एंड आई यूज टू एलोबरेट फॉर अदर लैंग्वेज, आई डोंट गिव टू परमिशन लाइक दिस फॉर दिस टाइप्स ऑफ सिचुएशन। कुशाल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुशाल जी का इनका सवाल है रियलमी 13 प्रो प्लस कब आएगा। देखिए रियलमी 13 प्रो प्लस जो है ये हमें देखने को मिलेगा इंडिया में नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोकान बोरी जी का, इनका सवाल है ये वीडियो कौन से फ़ोन से शूट कर रहे हो। ये जो है रियलमी 12 प्रो प्लस से शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन रोनी का है, इनका कहना है ईद मुबारक ब्रो फ्रॉम बांग्लादेश रजा भाई, आपको भी ईद मुबारक, और ईद में क्या खाए इस बार और क्या हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन MD आरिफ का, इनका सवाल है रेडमी नोट 10 प्रो 5G में जियो सिम चलेगा क्या। 5G सिम चलेगा रेडमी नोट 10 प्रो में, लेकिन नेटवर्क जो है आपका 4G का आएगा, 5G का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिल्मी का, इनका सवाल है रियलमी 13 प्रो प्लस का स्पेक्स बताओ। देखिए रियलमी 13 प्रो प्लस में जो आएगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला, इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा और कैमरा जो है इसी से रिलेटेड रहेगा, पेरिस्कोपिक सेंसर होगा, लेकिन मेन सेंसर इस बार जो है 100 या 200 मेगापिक्सल का जाएगा, अभी 50 दिया है, और सोनी का सेंसर नहीं रहेगा, सैमसंग का सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अमर जी का, इनका सवाल है ब्रो फोटो में रेडनेस आ रहा है प्लीज़ क्या करें। देखिए फोटो में रेडनेस आ रहा है तो आप डिस्प्ले में जाके विविड को ऑन कर दीजिए, विविड मोड को, आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक ज्ञान का, इनका सवाल है OnePlus Note 3 पे वीडियो बनाओ प्लीज़। देखिए फ़ोन हमारे किसी के पास नहीं है अभी, OnePlus का Note 3 अगर किसी के पास आता है तो हम आपको वीडियो ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यही था संडे, यही था Q&A, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, और हमारे व्लॉगिंग चैनल को करिए, और ऊपर वाला कुछ बोल रहा है Saddam05 इनका ID है इंस्टाग्राम में, तो इनको फॉलो कर लीजिए, काफ़ी ख़तरनाक वीडियो बनाते हैं। ए भाई मोबाइल को सीधे ही रख, उसे मत करो, उसे मत करो। तो Saddam05 हम लोग दोनों मिलके वहाँ पर बहुत सारा बनाते, रील टील बनाते रहते हैं, तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, व्लॉगिंग चैनल को कर लीजिए, जिस जगह पे हम हैं यहाँ का बहुत सारी वीडियो आएगी। ईद मुबारक वाला वीडियो दे दिए, फर्स्ट जुम्मा का दे दिए, सेकंड जुम्मा का देने वाले हैं, क्या खा रहे पी रहे, किस तरह का रिहाइश है, कैसे हम लोग सर्वाइव करते हैं, इंडिया से बाहर कैसा रहता है, सऊदी कैसा रहता है, रियाद कैसा रहता है, सब कुछ आपको पता चलेगा उस चैनल पे। तो उसका फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आपको दिखता होगा जिसमें हम कार का ढक्कन खोल रहे हैं, तो आपको वही वाला चैनल है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, देख लीजिए, और जो भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।